दिल्ली में सीलिंग को लेके दिल्ली के लाखों व्यापारी दुखी हैं, और सिर्फ व्यापारी नहीं, जिनकी दुकानें सील हो रही हैं सिर्फ वो नहीं, उनके घरों में काम करने वाले लोग दुखी हैं। और लोगों को ये साफ दिख रहा है कि ये शुरुआत अभी यहाँ से हो रही है, लेकिन इसकी आँच धीरे धीरे और दुकानों तक आएगी, इसकी आँच धीरे धीरे अनऑथराइज कॉलोनीज तक भी आएगी, इसकी आँच धीरे धीरे गाँवों की दुकानों तक भी आएगी। लोगों को ये साफ दिख रहा है और लोग चिंतित हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ दुकानों की सीलिंग का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को रोज़ी रोटी भी चाहिए। दुकानें सिर्फ रोज़ी रोटी नहीं है, दिल्ली की ज़रूरतें हैं, बाज़ार भी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली को बिना बाज़ार की दिल्ली, बिना मार्केट की दिल्ली के रूप में तो कल्पना नहीं कर सकते ना। तो इसी को लेके जो कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कोशिश ये थी कि सब मिलके संसद में जो बैठे हैं, विधानसभा में हम बैठे हैं, नगर निगम में जो बैठे हैं, सब मिलके कुछ आवाज़ दिल्ली के लोगों के लिए उठाएं और उसका कोई समाधान निकालें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस ने तो इस बैठक में आना स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक में आने की जगह राजनीति की। उन्होंने वो सड़क पे बोलते हैं, अलग से बोलते हैं, लेकिन जब इसके समाधान पे चर्चा के लिए बैठक बुलाई तो इस पे समाधान के चर्चा में वो शामिल तक नहीं होना चाहते। एक चिट्ठी उन्होंने लिख के भेज दी कि हम नहीं आ पाएंगे, कुछ कुछ बहाने मारते हुए। बहरहाल दिल्ली के व्यापारियों के लिए ज़रूरी थी बातचीत, और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे। हम बीजेपी को फिर भी कहते हैं, आज का मौका आप चूक गए, लेकिन दोबारा आप कहिए आने को तैयार हैं तो हम दोबारा भी मीटिंग बुलाएंगे। सरकार दोबारा ऑल पार्टी मीटिंग बुला के फिर से इस मसले को डिस्कस करने को तैयार है, लेकिन आप सीरियस तो दिखो। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने, उनके साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने इस बात से पूरी सहमति जताई कि दिल्ली में व्यापारियों की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसको लेके संसद में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। संसद में ना सिर्फ आवाज़ उठाने की बल्कि सीलिंग को रुकवाने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हर प्रयास करेंगे मिलके। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद भी रहेंगे, उसमें कांग्रेस के सांसद भी साथ देंगे। एक तो ये डिस्कस हुआ, दूसरा मॉनिटरिंग कमेटी जो इसको सीलिंग के पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रही है, उससे मिलकर जो भी मुद्दे हैं मास्टर प्लान को लेके, उसके इंटरप्रिटेशंस को लेके, उनसे बात करेंगे। और उसमें भी मुख्यमंत्री जी का अनुरोध है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चलें, दोनों रखें उसके सामने, आम आदमी पार्टी भी रखेगी, तो वो भी एक मॉनिटरिंग कमेटी के सामने भी सब, जिसके पास जो व्यू पॉइंट है वो सब रखें। सरकार उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, सब उस अपॉर्चुनिटी को दिल्ली के व्यापारियों के पक्ष में वहाँ अपनी बात रखें। तो दूसरा ये तय हुआ था कि मॉनिटरिंग कमेटी से मिलके जो भी मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। अजय माकन जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए, उनको लागू करेंगे। और 351 पे जो सड़कें हैं उन पर भी बात हुई। हमने उनको बताया कि पिछले 2-3 महीने से सरकार काफ़ी तेज़ी से दिन रात काम कर रही थी इस पर, और 351 सड़कों के लिए जो भी ज़रूरी प्रिपरेशन थी वो पूरी प्रिपरेशन करके, हमने एक तो उनको ये बताया कि 351 सड़कों पे अभी सीलिंग नहीं है, अभी वो सीलिंग से बाहर हैं, लेकिन सरकार उन पे काम कर रही थी और पिछले 2-3 महीने में काम करके अब स्थिति ये है कि सरकार की पूरी तैयारी हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली सरकार मंडे को इसको लेके, जो 351 सड़कों का मसला है इसको, जो भी सरकार ने तैयारी की है, सोमवार तक इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे। लेकिन 351 सड़कों का मुद्दा अभी अलग है, और जो दिल्ली में सीलिंग का क्राइसिस, दिल्ली के लाखों व्यापारियों की रोज़ी रोटी, लाखों कामगारों की रोज़ी रोटी छीनने का क्राइसिस है, ये अलग है। तो इस पर यही चर्चा हुई जो आपके सामने मैंने रखा। अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि बीजेपी इस पर राजनीति ना करे, बल्कि इसके समाधान निकालने की कोशिश करे, और समाधान इस वक्त
जो भी हो नंबर समाधान देने के उनके पास में है, संसद में वो बैठे हैं, केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, वो चाहें तो एक दिन में समाधान ला के दे सकते हैं इसका, एक कानून ला के, जो भी ज़रूरी कानून है, अभी तो संसद का सत्र भी चल रहा है। लेकिन जो पीछे से बात समझ में आ रही है, सीलिंग तो एक तरह का व्यापारियों की ज़िंदगी हलकान करके, दिल्ली के व्यापार पूरे बिजनेस सिस्टम को हलकान करके, कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, आज उनके नहीं आने से यह और साफ हो गया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन निकले, क्योंकि असली मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का वो है एफडीआई को एस्टेब्लिश करना, दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करके एफडीआई का पूरा रास्ता साफ कर रहे हैं कि दिल्ली का व्यापारी बंद हो, दिल्ली का व्यापारी अपनी दुकान बंद करे, दिल्ली के दुकानें सील हों और एफडीआई के ज़रिए जो चीज़ें होनी हैं उसका रास्ता साफ हो। तो मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग आपस में भी बात करते हैं, सरकार में भी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, हमारा ये कमिटमेंट है कि दिल्ली के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब करेंगे, मुख्यमंत्री जी जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी करेंगे, अभी तक किया भी है। हम भी चाहते हैं कि एक ये बीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से, कल केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान आया कि दिल्ली में जैसे सब कुछ इलीगली हो रहा है और सब कुछ को दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। दिल्ली में बाज़ार तो चाहिए ना, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दिखाया जा रहा है कि साहब कुछ रास्ते साफ हो जाएंगे, कंजेशन फ्री होगी। ये दिल्ली कंजेशन फ्री होगी, इसका सीलिंग से क्या लेना देना है? ट्रैफिक सिस्टम ठीक होने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। अब डिफेंस कॉलोनी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है या इंटेंशन की प्रॉब्लम है? जिस जिस जगह अमर कॉलोनी से लेके, मतलब जहाँ जहाँ सड़कें इतनी चौड़ी हैं, वहाँ भी आप बहाना बना रहे हो कि ट्रैफिक का इशू है, ये इशू है, ये इशू है। कुल मिला के जो मैंने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करके इनकी नीयत कुछ और है, और ये सीलिंग के बहाने से पूरा एफडीआई का रास्ता यहाँ पे साफ कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है इसको और इंटेंसिफाई करेंगे ये लोग, इनकी नीयत, वरना आज की मीटिंग में इनको आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? ये कुल मिला के कहना था गोपाल भाई। पहली बात तो ये है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था और अरविंद जी ने उनको बुलाया था, तो वो इस बात पर इतराज करते हुए मीटिंग छोड़कर चले गए। उस समय भी बात नहीं किया उन्होंने कि मीडिया के सामने आप मीटिंग क्यों कर रहे हो, हम अलग से बात करना चाहते हैं। आज जब मीटिंग मीडिया के बगैर जब मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग से छोड़कर भाग गए, नहीं आया, आज मीटिंग का बाइकाट ही कर दिया। तो ये बात साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन, ये जो सीलिंग चल रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। और कल जो हरदीप पुरी जी ने एलजी साहब की उपस्थिति में जो बयान जारी किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के सह पर ये सीलिंग हो रही है और व्यापार को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। नंबर दो बात जो हम कहना चाहते हैं कि हर बार वो 351 सड़कों की बात विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाते रहे, आज भी चर्चा हुई है। दिल्ली की सरकार के पास जो भी है, हमने लगातार 1.5 महीने से काम किया है, डीडीए को हमने प्रस्ताव फाइनली भेजा था, वो लौट करके सरकार के पास आ गया है। सर, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, उसी ऑर्डर के तहत अगले हफ्ते सरकार जो है वो कोर्ट के सामने 351 सड़कों के नोटिफिकेशन का सारा मामला रखने जा रही है। और तीसरी बात जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया कि दिल्ली विधानसभा क्यों नहीं कुछ कर रही है, दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सदन के अंदर भी हम इसको लेकर के अपना प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार, जितने भी सीलिंग के रोकने के समाधान के रास्ते हैं, सारे रास्तों पर हम काम करेंगे, चाहे कोर्ट के अंदर हो, मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो, सारे रास्तों पर हम प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है
अगर ये रास्ते बंद किए जाते हैं केंद्र सरकार और भाजपा के संरक्षण में एफडीआई को लाने के लिए, तो सड़क पर भी हम पूरी ताकत से आंदोलन को खड़ा करेंगे और जनता के साथ मिलकर के सीलिंग को रोकने के लिए लड़ाई लड़ेंगे।